हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीके किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे दही वड़े, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और इजी बनने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हमारे किचन में। दही वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चना दाल, 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप मसूर की दाल। इन तीनों दालों को हमें कम से कम 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और जब ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसे पीस लेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। पीसते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पानी है दाल का, वो पूरे तरीके से आप ड्रेन आउट कर दीजिए, और बिल्कुल ड्राई जो दाल होगी उसका इस तरीके से बारीक पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा दरदरा। चलिए, तीनों दालों का पेस्ट बनके बिल्कुल ही रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोडा, छोटा वाला चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक। इन दोनों चीज़ों को ऐड करके आप ये जो बैटर है, इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इस बैटर को कम से कम 1 घंटे रेस्ट करने देना है, ताकि अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाए। आपकी ये जो दाल है, जो बैटर है, जितनी अच्छे तरीके से फर्मेंट होगा, वड़े उतने ही ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए, अराउंड 1 घंटा हो चुका है, अब इसे फ्राइंग की तैयारी करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। जब आपका ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गरम हो जाए, तब आपको चम्मच की हेल्प से इस तरीके से किसी भी रफ़ शेप में जो वड़े हैं वो ड्रॉप कर देने हैं। यहाँ पे वड़े ड्रॉप करने के बाद आप थोड़ा सा फ्लेम जो है वो लो कर दीजिए, हल्का सा, ताकि आपके जो वड़े हैं वो जले ना, अंदर तक पक जाएँ और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएँ। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर नहीं ले लेते। इसका कच्चापन पूरा जब निकल जाए, तब इसे आप इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। जितना भी बैटर आपने बनाया है, उसका 1, 2, 3 बैच करते हुए आप सारे वड़े एक साथ निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं दही वड़े। वैसे मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ये। लोग बहुत सारी अलग अलग दालों के वड़े बनाते हैं, जैसे कि उड़द की दाल होती है, सिर्फ चने की दाल होती है, लेकिन ये जो मिक्स लेंटिल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इसकी हेल्प से बहुत बढ़िया टेस्टी वड़े बनने वाले हैं। तो चलिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चले हैं, अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और फिर इन्हें ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए, इसे ठंडा होने दिया था हमने, करीब 1/2 घंटा हो चुका है। अब तैयारी करेंगे दही की, तो उसके लिए हमें इसे गर्म पानी में डालना होगा। यहाँ पे थोड़ा गुनगुना पानी जो हमने लिया है, उसके अंदर ये सारे वड़े जो हैं, भल्ले जो हैं, उन्हें ड्रॉप कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ से निकल जाए, और जो भल्ले हैं वो भी हमारे बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो जाएं। ये प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आपके दही भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। पानी में डालने के बाद आपको सारा पानी इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में भल्ले दबाते हुए निकाल लेना है। आपको वाटरी भल्ले बिल्कुल नहीं डालने दही में, वरना दही जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और वो गीले गीले लगेंगे। तो इस तरीके से सारे वड़ों का पानी जो है हथेली से दबाते हुए निकाल लीजिए। दूसरी तरफ एक बॉल में मैंने दही डाला है, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसमें सीजनिंग में सबसे पहले हम डालेंगे शक्कर। यहाँ पे 2 छोटे चम्मच शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पीसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, अगर दही बहुत ज़्यादा ठंडी है तो। शक्कर के साथ इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वैसे जो दही भल्ले होते हैं, उसमें ज़्यादा नमक नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ नमकीन पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मीठे पसंद करते हैं, और कुछ लोग दोनों का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं दोनों का मिक्सचर बना रही हूँ। शक्कर डालने के बाद आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कीजिए, भल्ले डाल दीजिए, और उसके बाद ऊपर से मैंने डाला है इसमें काला नमक। साथ में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और लाल मिर्ची का पाउडर। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं इस दही भल्ले में डालने के लिए, इन्हीं का ही मेन फ्लेवर इसमें आता है। ये जो गरम मसाला है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ज़ीरा है भुना हुआ, काली मिर्च और खड़ा धनिया। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद अगर आपको इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस करना है, तो आप इसमें इस तरीके की इमली की चटनी डाल सकते हैं। अगर आपने बनाई हुई नहीं है तो कोई भी रेडीमेड चटनी डाल दीजिए, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसमें सिंपली केचप भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो बस यही थी हमारी सिंपल रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।